थोड़ा सा बताओ। जैसे ही हम लोगों को पता चला, सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। अमित भाई आज भी प्रदर्शन ठीक है। आने के बाद पता चला कि उसमें से तीन पुरुष, तीन महिलाएं और तीन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई वो चल रही है। उनके परिवारजनों तक सूचना पहुंच गई है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। थोड़ी सी जिस पूरे प्रकरण में ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे रह रहे थे और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे इनके रहने के दौरान, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इन्हें लाया था, पूरे स्थिति की जांच चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी मैं आज ही कुछ आपको स्पष्ट बता पाऊंगा। लेकिन दुखद है और सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। ऐसे सभी संभावित स्थल जहाँ पर बिल्डिंग कमज़ोर है, बरसात के कारण गिर सकती है या कहीं कोई ऐसे दीवार के सहारे लोग रह रहे हैं, उनको गश्त करके ऐसे स्थानों को चिन्हित करें, ऐसे सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। और हमारे पास पर्याप्त स्थान है सभी लोगों को रहने के लिए और भोजन आदि की व्यवस्था करें। और यदि कहीं कोई चिकित्सीय व्यवस्था की आवश्यकता है तो उसके लिए भी सरकार ने तत्काल निर्देश दे दिए। और जैसे ही इस घटना में जो भी लापरवाही बरती गई है या घटना किस प्रकार घटी, जैसे ही रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई होगी।